अलवर वैशाली नगर थाना पुलिस में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध रूप से शराब बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से शराब बरामद की है। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा द्वारा अवैध शराब, अवैध हथियार सहित मादक पदार्थ के विरोध कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। उस अभियान के तहत थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि खुदनपुरी रोड पर इंद्र सिंह नाम के युवक द्वारा अवैध शराब बेची जा रही है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस जाप्ता मौके के लिए रवाना किया गया और पुलिस ने आरोपी इंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से शराब बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवाकारी एक्ट में मामला दर्ज किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शराब को ठेके से खरीद कर रख लेता है और रात को शराब ठेका बंद होने के बाद अवैध रूप से ज्यादा दामों में लोगों को शराब सप्लाई करता है। विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाने के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसी के तहत पुलिस थाना वैशाली नगर द्वारा दिनांक 20/10/23 को कार्रवाई करते हुए मुलजिम इंदर सिंह निवासी खुदनपुरी को खुदनपुरी जोड़ के पास 56 पवे अवैध देसी शराब के बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। सर ये किस तरह लाता था? मुलजिम ने पूछताछ पे ये बताया कि मैं ये शराब ठेकों से ज्यादा मात्रा में खरीद लेता हूँ और रात को 8 बजे के बाद लोगों को ज्यादा जो इसकी वाजिब रेट है उससे ज्यादा रेट में बेच के पैसे कमाता हूँ।